बाइबलको उत्पत्ति इजरायलबाट भएको थियो। सबैभन्दा पहिलो बाइबल हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो। हिब्रू भाषामा कहाँ छ त परमेश्वर शब्द? छैन। त क्रिस्चियनहरूले हामीहरूलाई अहिले आँखामा छारो हाल्दै परमेश्वर शब्द प्रयोग गरेर शब्दको जालोमा बुन्दै नेपाली जनताहरूलाई भेडा बनाउन खोजिरहेका छन्। परमेश्वर शब्द हिब्रू भाषामा लेखिएको बाइबलमा कहीँ कतै पनि पाउन सकिँदैन। हाम्रै भाषा प्रयोग गरेर हामीहरूलाई नै विदेशीको दास बनाउन खोजिँदैछ। धेरै जस्तोले जान्नुभएको व्यक्ति अथवा साधारण भाषामा भनौँ भने इसाई विरोधी आर्या अमृत, उहाँको नाम अमृत तर बोली चाहिँ बिस जस्तो, उहाँले धेरै दिनदेखि इसाईहरूको गल्ती खोज्दा 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 अझ ठुलो गल्ती फेला पारेको छ। त्यो हो, हिब्रू भाषाको बाइबलमा परमेश्वर लेखेको छैन भने नेपाली इसाईहरूले कसरी परमेश्वर भन्छ? कुरा सुन्दा अल्छी लाग्ला तर कुरा बुझ्दा धेरै रोचक छ। जयमसी तथा नमस्ते, म भण्डार लामा फेरि पनि यहाँलाई मनले टिममा स्वागत छ। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला, बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नभुल्नु होला, किनभने जब जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तब तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले मण्डली टिभीलाई युट्युबमा, फेसबुकमा या अन्य सोसियल मिडियामा तपाईँले सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मण्डली टिभी लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त सुरु गरौँ। बाइबलको उत्पत्ति इजरायलबाट भएको थियो। सबैभन्दा पहिलो बाइबल हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो। हिब्रू भाषामा कहाँ छ त परमेश्वर शब्द? छैन। हे मूर्ख, हिब्रू भाषामा इलोहिम भन्छ परमेश्वरलाई, इङ्ग्लिसमा गॉड। इलोहिमको बारेमा अझै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। इन द बिगिनिङ गॉड क्रिएटेड द हेवन एन्ड द अर्थ। सो ये गॉड करके जो शब्द वहां पर दिया है उसे हिब्रू में आप देखेंगे तो उसमें इलोहिम करके लिखा है। इलोहिम ये परमेश्वर का नाम है और उसे अलग अलग भाषा में अपन अलग अलग तरीके से अपन बोले हैं। और ये इलोहिम शब्द के अंदर ये यल जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यल शब्द के बारे में अपन जरूर अपन देखेंगे क्योंकि ये यल जो है ये आपको पता होगा प्रकटीकरण के अंदर सात मोहर के बारे में लिखा है। उसमें सातवा मोहर और ये यल के बीच में गहरा संबंध है। सो वो कभी समय मिला तो अपन उसे जरूर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी व्हाट इज दिस यल, इंग्लिश का जो यल जो है कुछ नहीं है, उसमें कुछ मीनिंग नहीं है। लेकिन हिब्रू में जो यल करके जो शब्द है उसको लैमेड करके बोला जाता है। और लैमेड इसका तीन मीनिंग होता है। लैमेड का तीन मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग जो है टू लर्न, शिक्षा लेना। ओके, सो इस एक विद्यार्थी बनना, टू लर्न उसका पहला मीनिंग होता है टू लर्न। और लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड थिंग टू बिकम एक्सपर्ट। जो कुछ आपने सीखा उसमें एक्सपर्ट होना है। एंड थर्ड थिंग इसका मीनिंग होता है टू टीच। सो लर्न करना है, एक्सपर्ट होना है एंड देन आप उसको टीच करना है। सो आपको टीच करना ही है। जो कोई लर्न करते हैं उनको टीच करना ही है। सो अगर आप लर्नर हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइए एंड देन यू कैन टीच। सो लैमेंट करके शब्द जो है वो टीचिंग के लिए भी यूज होता है। सो अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं तो अभी टीचर बन गया हूं, मैं कुछ सीखने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं दैट इज रॉन्ग। अगर आप लैमेड आप सिखाते हैं तो अगर आप लामट देते हैं, अगर आप सिखाते हैं तो आप शिक्षा लेना भी है। वो एक ही शब्द के अंदर तीन अर्थ उसमें छुपा हुआ है। एक टू लर्न, हमेशा आपको लर्न करना ही है। एक डिसाइपल करके बोला तो आपको लर्न करना ही है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज अ लर्नर। आप हमेशा सीखते रहना है, आखिरी दम तक आपको सीखना है। प्रभु सिखाते रहेंगे। आप ये नहीं बोल सकते मैं सब कुछ सीख गया प्रभु अभी कुछ मत सिखाओ, नहीं नहीं, एवरी मिनट एवरी सेकेंड द लॉर्ड इज गोइंग टू टीच यू। और जो कुछ प्रभु ने आपको टीच किया है, जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा है उसे आप उसमें आप एक्सपर्ट बनना है। और तीसरा चीज उसके बाद आप उसे सिखाना है। और कुछ साधारण उदाहरण, हवाई जहाज कसले अनि कहाँ आविष्कार गरे? तपाईँलाई थाहै भएको कुरा हो, हवाई जहाज राइट ब्रदर्सले अमेरिकामा आविष्कार गरे। अब अमेरिकामा राइट ब्रदर्सले हवाई जहाज आविष्कार गरेपछि यसको नाम राखियो अमेरिकन इङ्ग्लिसमा एयरप्लेन। के अब यसो भन्दा मिल्छ, नेपालको एभिएसनले हामीलाई हवाई जहाज भनेर बुद्धु बनाइरहेछ, नेपालको एभिएसनले हामीलाई हवाई जहाज भनेर बेकुफ बनाइरहेछ? किनभने हामीले अमेरिकाको एभिएसन हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने हवाई जहाज शब्द लेखेको छैन, त्यहाँनिर एरोप्लेन लेखेको छ। यसो भन्दा कहीँ मिल्छ? अब कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्,
अमेरिकामा हवाईजहाजलाई एरोप्लेन भन्छ, नेपालमा हवाईजहाज भन्छ, त्यसरी नै इजरायलमा परमेश्वरलाई इलोहिम भन्छ भने नेपालमा परमेश्वर भन्छ। परमेश्वर शब्द हिब्रू भाषामा लेखिएको बाइबलमा कहीँ कतै पनि पाउन सकिँदैन। हाम्रै भाषा प्रयोग गरेर हामीहरूलाई नै विदेशीको दास बनाउन खोजिँदैछ। हाम्रै भाषा प्रयोग गरेर हामीलाई नै विदेशीको दास बनाउने प्रयास मैले धेरै दिनदेखि याद गर्दै आएको। तपाईँ जो पनि बोल्नुहुन्छ आधा ज्ञान लिएर बोल्नुहुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वर संस्कृत भाषा हो, नेपाली भाषा होइन। र परमेश्वर संस्कृत भाषा हो भने विदेशी भाषा भयो, किनभने संस्कृत भाषा विदेशीदेखि सुरु भएको हो। तपाईँले आफ्नै हाम्रै भाषा प्रयोग गरेर भन्नुहुँदैछ, त्यसमा तपाईँले घमण्ड नगर्नुहोस्, किनभने यसमा घमण्ड गर्ने कुरा केही पनि छैन। किनभने संस्कृत भाषा नै विदेशी भाषा हो, यसमा हामीले के घमण्ड गर्ने? जसले संस्कृत भाषालाई हाम्रो भाषा भनेर घमण्ड गर्नुहुन्छ उहाँको निम्ति यो भिडियो। संस्कृत का उद्गम इस जिस भारत भूभाग को हम जानते हैं उसमें नहीं हुआ था, वहाँ बाहर से आई थी। लेकिन इस पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहिए, हमें इस विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाषा किसी की बपौती नहीं होती, किसी इलाके की, किसी जाति की, किसी धर्म की बपौती नहीं होती। वो साझी संपत्ति होती है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, और उसको भाषा को इसी नजरिए से देखना चाहिए। वो एक संवाद का माध्यम होती है, संप्रेषण का माध्यम होती है, और ज्ञान और पूरी जो हमारी स्मृति है उसको भी आगे ले जाने का काम करती है। तो उस दृष्टि से संस्कृत पर हमें गर्व भी करना चाहिए, उसका इस्तेमाल हो सके तो वो भी करना चाहिए, लेकिन उसमें जो नकारात्मक तत्व हैं उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पंडावाद बहुत है, वहाँ ब्राह्मणवाद बहुत है, और इसीलिए उसको महिमा मंडित भी किया जाता है। तो उससे बचकर हमें अपने इस्तेमाल, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी भलाई के हिसाब से संस्कृत को देखना, पढ़ना, सुनना और इस्तेमाल करना चाहिए। प्रियहरू, हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन। घमण्ड गर्दा नाश भएर जान्छ, घमण्ड गर्दा पतन भएर जान्छ। यही कुरालाई हामीले आज बाइबलदेखि अझै बुझ्ने प्रयास गरौँ। हितोपदेशमा हामीले हेऱ्यौँ भने हितोपदेशको पुस्तक 29 अध्यायको 23 पदले के भन्छ भने, घमण्डले मान्छेलाई निचो पार्छ तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ। घमण्डले मान्छेलाई के गर्छ, मानिसको घमण्ड त्यसलाई निचो पार्छ, होच्याउँछ, प्रमोसन हुन दिँदैन, पतन गराउँछ, सर्वनाश गराउँछ। अब हामी केही पदहरू र केही उदाहरणहरू हामी हेर्नेछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले दानियल 4 अध्याय हेर्नुभयो भने नबुकदनेस्वर राजा एकदमै अब त्यति बेलाको बेबिलोन भनेको अहिलेको अब शक्तिशाली राष्ट्र जस्तै अमेरिका जस्तै हो, अनि संसारमा उसको प्रभुत्व भएको एउटा राष्ट्र थियो। त्यो राष्ट्रको राजा नबुकदनेस्वर थिए। उनले चाहिँ ए मै नै सब थोकौँ भने, अनि परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहेनन्, एकदमै घमण्ड गरेको कारणले परमेश्वरले 7 कालसम्मको लागि उनलाई जनावर जस्तै बनाइदिनु भयो, र ऊ चाहिँ के भयो, पतन भयो, अनि जनावर जस्तै घाँस खाने, अनि शीतमा भिज्ने, नङ्ग्रा पनि लामा लामा भुत्लाहरू त्यो जम गोरु जस्तै भयो। को राजा, शक्तिशाली पुरुष, संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र बेबिलोनको राजा है, उसले सुनकै मूर्ति त कति फिटको बनेको थियो, उसलाई मान्छेले पुज्थे, अनि परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले उहाँ जान्नु, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, संसारमा उहाँको मात्रै लाग्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उसले के गर्यो, घमण्ड गरेर कति पनि परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले ऊ जनावर हुनु पर्यो। हस्त, आजलाई यतिमै, फेरि पनि यहाँको सामने यस्ता यस्ता भिडियो लिएर आउनेछु। आशा राख्दछु हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु भयो भनेर। परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै धेरै सदा सर्वदा आशिष दिनुहोस्।